हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ पनीरी की रिपॉटिंग करके दिखाऊंगी, जो मतलब वेजिटेबल की सीड से मैंने उसकी पनीरी बनाई हुई है। तो आइए देखते हैं, पहले पनीरी निकाल के देखिए। एक ही गमले में जो खाली जगह थे, कितने सारे छोटे छोटे पनीरी आ गए हैं। ये देखिए, ये करी प्लांट की है, और ये देखिए सदाबहार, इसकी बीज डाले थे मैंने। और ये चिल्ली की थोड़ी बड़ी हो गई है, इससे पहले छोटे में ही लगा दिया जाता है, ये थोड़ी बड़ी हो गई, मैंने निकाला नहीं था, अब मैं निकाल रही हूँ इन सबको। ये देखिए, और ये देखिए, ये सारे टोमेटो के, ये देखिए, ये जो है, ये सारे ये टमाटर की हैं, ये टमाटर के पौधे हैं। इसे भी सारे को मैं अभी निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये चिली की निकाल ली मैंने, ये चिली प्लांट है, ये निकाल दिया मैंने। इसको ले जाके दूसरे पॉट में मैं रिपॉटिंग करूँगी। बहुत सारे चिली के पौधे हो गए हैं, ये चार पांच है। और ये टोमेटो की, ये देखिए, ये टमाटर की है। ये सारे मैं अभी रिपॉटिंग करूंगी दूसरे पॉट में। अब ये मैंने सारे प्लांट जो सदाबहार, चिल्ली, करी पत्ता और टमाटर, सारे मैं ऊपर ले जाकर दूसरे पॉट में रिपॉटिंग कर दूंगी। टोमेटो प्लांट और चिल्ली प्लांट और करी प्लांट, ये तीन हैं, तो उसे मुझे लगाना है। आज मैं ये थर्मोकॉल की बॉक्स में आपको प्लांटिंग करके दिखाऊंगी। ये थर्मोकॉल की बॉक्स है, और एक ये मेरी वाटर फिल्टर की पॉट नीचे वाली ख़राब हो गई थी, तो वो रखा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ वेजिटेबल लगा दूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले सॉइल रेडी करना है। ये देखिए, ये है नॉर्मल गार्डन की सॉइल, मैं सबसे पहले ये ले लिया। और ये बर्मी कंपोस्ट है, ये वाली भी है मेरी, जैसे थोड़े सूखे लीव्स वगैरह हैं, मैं सूखी लीव्स बहुत यूज करती हूँ। किसी भी प्लांट के पत्ते जैसे सूख जाते हैं, उसकी मैं मतलब उसे जमा करके, और उसमें चाय की पत्ती भी ड्राई करके, मैं इन सब की यूज़ ज़्यादा थोड़ा करती हूँ। तो पहले मैंने ये नॉर्मल सॉइल ले लिया, और इसमें कुछ सूखे पत्ते हैं, और इस जितनी ये सॉइल है ना, उसमें 20 से 25% मैं ये बर्मी कंपोस्ट मिलाऊँगी। ये बहुत अच्छी होती है प्लांट के लिए, प्लांट को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है इससे। ये भी मिला दिया मैंने, और ये थोड़ी सी सूखी चाय की पत्ती। ये सारे अब मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब ये मिक्स हो गया। अब देखिए, मैंने ये थर्मोकोल की बॉक्स है ना, तो इसमें मुझे थर्मोकोल की मैं दाने को भी मिक्स करती हूँ थोड़ा, तो इसमें ज़रूरत नहीं है मिलने की, मिक्स करने की। तो जैसे मैंने इसमें होल किया है, तो इस होल को पहले होल के ऊपर कुछ रखना है। मैंने ये छोटे से डाल दिया पत्थर, और उसके बाद मैं, अगर ये दूसरी वाली पॉट होती है ना, जैसे ये फिल्टर वाले पॉट है, तो इसमें मैं पहले थर्मोकोल के टुकड़े डालूँगी सबसे पहले। अब मैं इसमें सॉइल डालती हूँ। ये देखिए, इसमें सॉइल फिट हो गया एकदम। अब मैं इसमें टोमेटो लगाती हूँ। इतने सारे टोमेटो के प्लांट हैं, तो मैं इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसी में लगा दूंगी।
अब इसमें मैं करती हूँ पॉटिंग, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया ना, इसमें सबसे नीचे मेरे पास मूंगफली के छिलके थे, तो कोकोपीट के बाद दूसरा ये भी कोकोपीट के जैसा काम करता है, तो मैंने इस अंदर में वही डाला है, मैं मूंगफली के छिलके। उसके बाद इस यहाँ पे एक होल था, इसे ड्रेनिंग भी हो जाएगी अच्छे से, तो यहाँ पे मैंने एक स्टोन डाला हुआ है साइड में छोटा सा, ताकि पूरा होल कवर भी ना हो और ड्रेन भी अच्छे से हो जाए। और नीचे मैंने थर्मोकोल के छोटे छोटे टुकड़े करके एक लेयर बिछा दिया है, ताकि पानी मतलब कि वाटर एब्जॉर्ब भी हो, और उसके बाद एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे इस ड्रेनिंग होल से ड्रेन हो जाए और पानी ना ठहरे जड़ों में, ताकि पौधे ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैंने एक मोटी सी लेयर थर्मोकोल की लगा दी है, और नीचे मूँगफली की छिलके, उसका थर्मो। अब मैं इसमें सॉइल डालूँगी। अब मैं इसमें चिल्ली लगा दूंगी, और इसी तरह से आप ब्रिंजल भी लगा सकते हैं। ब्रिंजल के लिए भी सेम इसी तरह से पॉट रेडी करना होता है, पॉट एंड सॉयल। सॉरी, इसमें दो है, ये देखिए हो गया ये। अब मैं इसमें वाटरिंग करती हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी पौधे लगाएं आप, कोई भी प्लांट, तो लगाने के बाद वाटरिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, मस्ट कंपलसरी। ये हो गया, अब ये अच्छे से ग्रोथ होंगे। अगर बड़े हो गए हैं, फलने लग गई, तो मैं आपको फिर से इसकी वीडियो दिखाऊंगी। ये देखिए, जो मैंने पहले चिल्ली लगाई थी, इसमें कितने सारे ग्रीन और रेड चिल्ली आए हुए हैं, बहुत सारे भर के। बहुत चिल्ली मैंने तोड़े भी है इससे, और बहुत सारे इसमें लगे हुए भी हैं। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।